दोस्तों, हमारे इस चैनल में सीए से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। हमने सभी कोर्सेज के साथ कंपेयर भी कर लिया, सीए वर्सेस इंजीनियरिंग, सीए वर्सेस एआई, सीए वर्सेस सीएमए वर्सेस सीएस। आपने जितने भी डिमांड किया उन सब के ऊपर हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई थी। ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन के ऊपर हमने वीडियो ही नहीं बनाया, मतलब सीए में कैसे एंटर करें उस पर ही हमने वीडियो नहीं बनाया। इसके चलते हो ये रहा था, हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं जो आने वाले समय में सीए कोर्स में एंटर करेंगे, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया मैं तो 10th में हूँ, मुझे कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए सीए के लिए। भैया सब्जेक्ट्स बता दो सीए फाउंडेशन का, मैं अभी से ही बुक खरीद कर पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। एग्ज़ाम कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, और भी बहुत सारे सवाल थे। इसीलिए आज के इस वीडियो में सीए फाउंडेशन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी बताने वाले हैं कि बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं कि आप कैसे सीए फाउंडेशन लेवल के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और दावे के साथ बता सकता हूँ एंड में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में 3 स्टेजेस होते हैं, सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। उसमें भी सीए फाउंडेशन उनको ही देना होता है जिन्होंने किसी भी तरह का ग्रेजुएशन नहीं किया हो। अभी जिनका सवाल था कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो आपको मैं बताना चाहूंगा सीए कोर्स में स्ट्रीम की कोई झंझट नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सीए कोर्स कर सकते हो, और ये फाउंडेशन स्टेज पर भी लागू होता है। खैर, अब तो स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, फिर भी आपको फाउंडेशन में पढ़ने में आसानी हो उसके लिए आपको फाउंडेशन के सब्जेक्ट देखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज करना चाहिए। फाउंडेशन लेवल पर अगर हम सब्जेक्ट्स देखें तो हमें अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ये चारों सब्जेक्ट्स आपको कॉमर्स स्ट्रीम में देखने को मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से कॉमर्स लेना ही बेहतर होगा। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रीम चूज कर लिया है, साइंस या आर्ट्स चूज कर लिया है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सीए फाउंडेशन में सब अलाउ है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस की बात कर लेते हैं। सीए फाउंडेशन लेवल में रजिस्टर करने के लिए आपको आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। अब ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ऑफलाइन का कोई सुविधा नहीं है। अगर आप मई में एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 दिसंबर लास्ट डेट होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब जो बच्चे नवंबर के अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं उनको 31 जून तक रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 31 जून होगा। एक बार आप रजिस्टर हो गए तो उसका वैलिडिटी 3 साल तक होता है, मतलब 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकेंगे। फाउंडेशन लेवल में रजिस्ट्रेशन फीस 9,200 रुपये लगते हैं। आप स्क्रीन में से देख सकते हैं क्या क्या फीस लगता है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन लेवल पे ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ 12 पास आउट होना होगा। बट रजिस्ट्रेशन तो आप 10th के बाद भी ले सकते हैं, पर फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम आप तभी दे पाओगे जब आप 12th का एग्ज़ाम दे चुके होंगे या पास आउट हो गए होंगे। सब्जेक्ट्स भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बता बता कर बोर क्या करना। अब सीए फाउंडेशन लेवल की और गहराई में जाते हैं। देखिए, सीए फाउंडेशन में पास करने के लिए आपको चारों सब्जेक्ट्स में पास आउट होना होगा, पर कट ऑफ मार्क्स एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए होता है 40%, और एग्रीगेट होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर 50%। मतलब कि अगर आप किसी सब्जेक्ट्स में थोड़ा कमजोर है तो उस पर पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स लगेंगे, और जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो उस पर आप 60-70 ले आओ, बस एग्रीगेट मार्क्स 200 होना चाहिए, तब आप पास कर लोगे। और हाँ, MCQ टाइप्स क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, वो आप ध्यान में रखना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन लेवल में ज्यादातर स्टूडेंट फेल क्यों हो जाता है और पास करने का सोल्यूशन क्या है। दोस्तों देखिए, सीए फाउंडेशन लेवल पर जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उसके पीछे एक ही रीजन होता है, उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। क्योंकि जैसे अभी जो मई में एग्जाम है उसके लिए स्टूडेंट दिसंबर में एडमिशन लेंगे और एग्जाम के एक महीने पहले तक कोचिंग सेंटर पे अपने आप को घिसेंगे, और उससे होता ये है सेल्फ स्टडी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो जितना मर्जी उतना कोचिंग ले लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि जब इंस्टीट्यूट खुद आपको अलाउ करता है 10th के बाद एडमिशन लेने के लिए, तो आपको 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, और तब आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, और 2 साल 11th-12th के सिलेबस के साथ पढ़ते रहो, और 2 साल में सीए फाउंडेशन का बुक्स आप रट चुके होंगे, और उसके बाद आप जब 12th का एग्जाम दे दोगे उसी साल आप फाउंडेशन का भी एग्जाम दे दीजिए।
100% गारंटी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लोगे, और इससे पढ़ाई में भी फायदा होता है क्योंकि आपका 11th 12th का पढ़ाई भी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होता है और एक माइंडसेट भी बना रहता है कि आपको सीए फाउंडेशन देना है 2 साल बाद, तो उससे आपको पढ़ाई में मन भी लगता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आने वाले समय में सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करना चाह रहे होंगे उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको एक हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।